सुबह उठे तो एक गुड न्यूज ये है कि भैया सांसें चल रही थी बेचारी की, अब सांस और वो एक्सीडेंट हो गया। ये भी 960 है, दोनों शरबती हैं। तो जी आज हम खाना बना रहे हैं। कैसे करेंगे हमारे को सपोर्ट बताओ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर ये मॉर्निंग वाले ब्लॉग के शुरू है, डैड चंडीगढ़ गए और छोटे बेबीज के साथ। जय माता दी, जय भैरवनाथ। ये हमारे साथ मुष्टी मार रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, पापा के ऊपर लेट गए और बाबा पेल दिया, बीच में था दिया पापा जी को। समय सारणी की अगर बात करें तो 7:20 हो गए कल रात को, मैं इतना लेट तो आज मैं क्या, रेस्ट कर लो यार, आज रेस्ट कर लो, आज साइकिलिंग पे नहीं गए यार। सुबह उठे तो एक गुड न्यूज ये है कि भैया हमारे 2 लाख व्यूज है। ओके सो एक्चुअली मैंने ये देखी है, गिलहरी भी सड़क पे थी, साइड में कर दिया। इसकी सांसें चल रही थी बेचारी की, अब सांसें नहीं चल रही है। वेटनरी शॉप वगैरह देख रहा था या हॉस्पिटल, इतनी देर में भैया क्या यार, कितनी प्यारी थी। ऊपर से ना एक्चुअली यहाँ पे ट्री है ना, ये ट्री है तो ट्री से गिर गई भैया, सही सा नहीं लग रहा यार। वो देखो वहाँ पे मैंने वैसे साइड में कर दिया था, बीच रोड पे गिरी हुई थी। चलो गौ माता भी आ गई है, रोटी दे देते हैं। सही नहीं लग रहा यार एक्चुअली ना, मैं जस्ट वहाँ से गुजर रहा था, मेरे को दिखा कुछ गिरा हुआ है, मतलब जो मतलब एनिमल टाइप की ग्लैरी टाइप लग रहा था। मैं वापस आया मुड़ के और उसकी एक बेचारी की एक आंख गिरी हुई निकली हुई थी बाहर, और उसका सांस चल रहा था उस टाइम। मैंने उसको साइड में किया कि कोई टायर वायर ना चढ़ जाए उसके ऊपर। मैं बस वेटनरी शॉप हॉस्पिटल आसपास जो भी थे वो देखने लगा। इतनी देर में मैं वापस देख गया तो उसका सांस नहीं चल रहा था। सही नहीं लगा यार, मतलब आदमी की जान की कीमत होती है तो यार एनिमल्स की भी जान की कीमत होनी चाहिए। जान हर किसी की कीमती होती है। सही नहीं हुआ। और वो वैसे फुल ग्रोन नहीं थी, वो थोड़ा बेबी टाइप ही लग रहा था। अब उसके मम्मी पापा या कोई भी होगा वो देखेगा कहाँ पर है। एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते पहले भी मेरे को ऐसी मॉर्निंग में मिला था, तो मैंने उसको भी साइड किया था, बट वो ऑलरेडी डेड था। दिस इज लाइफ, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड, चलते जाओ। चलो जी, आज का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और आज बनी है न्यूट्री, मस्त मस्त मस्त। ये भी काफी महीनों बाद बनी न्यूट्री, ठीक है, साथ में दही, मस्त बनेगी। ओके, सो गैस जलाने की कोशिश कर रहा था तो एक्चुअली ये धोया था अभी, तो इसके ऊपर तो ऐसे रखा हुआ था ये, ठीक है, बट इसके अंदर जो वो थे ना, इसके इसमें पानी था तो जल नहीं रहा था। मैं गैस खराब, ये लाइटर खराब हो गया है, गैस नहीं चल रही, क्या है। मैं ये भी ले आया तो अभी देखते हैं, वो मैंने फूक मार के निकाल तो दिए सारी चीजें, अभी देखते हैं जलेगा नहीं जलेगा। पहले गैस लाइटर से कर लेते हैं, देखा जल पड़ा, वो इसी था पानी ड्रॉपलेट से इसके अंदर। पता क्या यार, वो बार बार मेरे माइंड में आ रही है स्क्विरल, और एक जो सर थे जो हमने जिसको ट्राई किया था कि उनकी भी लाइफ वो आपस में ना इंटरलिंक्ड। दूध गर्म करते हैं यार, बाद में करते हैं बात। फाइनली आज के दिन में भैया पूरी बोतल हमने खाली कर दी, और ये मैं कुछ सामान लेके आया हूँ अपने, मतलब कॉफी वॉफी और सारी चीजें। समय सारणी की बात करें तो 12:15 हो गए। ये बेबी जा रहे हैं आज पार्टी करने के लिए बाहर। ओह माय गॉड, बाहर खाना खाने। ओके, सो एंजॉय योर डे टू द फुलेस्ट। तो जी ये सोचा, ये जो लाइक रखा हुआ था साइड में, रखा हुआ था वहाँ पे भगवान जी के पीछे रखा हुआ था, रात को लगा के सोते मैं क्या, अभी यार ये बढ़िया है तो यहीं पे लगा के सो जाओ, मतलब सो जाओ क्या, काम कर लो यहीं पे, फोन लगाओ अपना और यहीं पे अपना चार्ज हो जाएगी घड़ी वगैरह, सही है। कुछ
कुछ आटा वाटा का काम वगैरह करवाने हैं, कुछ गेहूं पिसवाने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला काम अभी कर लेते हैं, बिकॉज अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 5:20। जिस तरह थोड़ी सी शाम और हो जाएगी तो भीड़ हो जाएगी, रश हो जाएगा, तो इससे पहले अपना काम वो वाला काम हो जाए तो बढ़िया चीज़ है। सो बेसिकली क्या है, एक कट्टा हमने फालतू ले लिया, क्यों? क्योंकि 30 किलो के आसपास आता है, 15 किलो हमने पिसवाना है, 15 किलो इसमें डाल के वापस ले आएंगे, फिर बाद में जब हम पिसवाना होगा तब हम पिसवा लेंगे। और चलो चलते हैं सीधा अब सब्जी मंडी की तरफ। कश्ती भैया वहाँ पे कर रखा है पूरा गोल गोभी बीच सड़क में, जेसीबी और वहाँ पे कई लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आ गए हैं। तो हम भैया अंदर वाली इंटरनल वाली रोड से निकलते हैं, अब यही रास्ता है हमारे को हमारी मंजिल तक जो पहुँचाएगा। बेसिकली क्या ना, अभी तक तो हम 5-5 किलो के लाइक लेके आ रहे थे आशीर्वाद वगैरह के, बट कहीं ना कहीं अगर आपके खुद खरीदा हो उसके बाद आप पिसवाए तो वे फिर एक अलग मजा आता है। तो वही चीज है, अभी जाएंगे वहाँ पे और गेहूं वगैरह लेके और खुद ही पिसवा देंगे फिर वो अपने। अब यहाँ पे लाइट नहीं है ना यार 26 में, और वो एक्सीडेंट हो गया। चलो चोट नहीं लगी किसी को। मेरे पीछे बेसिकली स्विफ्ट कार आ रही थी और मैं जैसे ही निकला उधर से दो वो आ रहे थे, बच्चे ही लग रहे थे मेरे को, तो शायद फास्ट होंगे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आराम से चल रहा था, मैं जैसे ही निकला वो क्रॉस किया और पीछे से एक और स्विफ्ट आती और उनके साथ हो गया एक्सीडेंट। चलो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, उठ गए थे वो, पर आराम से चलाया करो यार गाड़ी, मतलब जहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं होती, वर्किंग में नहीं है, वहाँ पे आराम से चलाओ। तो ये वाला जो है शरबती, ये है 960, ये भी 960 है, दोनों शरबती हैं, और ये है 990 और 1050, समथिंग लाइक दिस करंटली द प्राइस इज। हमने कट्टा ले लिया है और बिल्कुल सामने जाके वहाँ पे पिस भी जाएगा, तो अभी गाड़ी में डाल के लेके चलते, गाड़ी वहाँ लगाते हैं फिर पिसवाते हैं वहाँ पे। ये सारी पिसवाने वाले और ये सारी चीजें पे आटा चक्की वगैरह भी यहीं पिसवा देते हैं। वो वाली शॉप पे तो थोड़ा गड़बड़ था, तो दूसरी वाली शॉप पे आ गए और यहाँ से अभी इसको हाफ करवा लेंगे, फिर हाफ हम करवा लेके और इसके बाद ये वाले इसमें डाल देंगे, हाफ इसी के अंदर आएगा, गोल आटा पिस बनेंगे बेसिकली हम। तो मशीन से हाफ हमने बनवा लिया, हाफ वहाँ पे आ गए। बेसिकली यहाँ पे नंबर मिलता है, नंबर यहाँ पे, फिर ये अभी भाई गए हैं वहाँ पे लेने के लिए, ये हो गया अपना सब्जी मंडी से सब्जियाँ भी ले ली, और ये भी हो गया 6 बजे आए थे, 6:25 हो गए, हो गया अपना आइटम, यहाँ वेट बस वेरीफाई होगा बस। अपना आटा लेके चलते हैं सीधा गाड़ी में डालते हैं फिर घर की तरफ निकलते हैं। ये कुछ सब्जियां वगैरह कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लेके आ गए थे और पीछे हमने रख दिया सामान, अब ये धोनी पड़ेगी अंदर से मेरे को लग रहा है, जो इसकी सीटें विटे हैं मतलब साफ करनी पड़ेगी, क्लीन करनी पड़ेगी, पानी तो मारेंगे नहीं भैया इसके अंदर। भैया चंडीगढ़ की खासियत बिल्कुल सामने देखो, पहाड़ियां दिख रही हैं बिल्कुल सामने हैं, और सामने ये लोग देखो किस तरीके से टाप रहे भैया, अगर यहाँ पे बीच में अगर फंस गए ना तो गोल गोभी हो जाएगी बीच से, क्या कर सकते हैं भैया। जी हमने बेसिकली फोन करके भैया कह दिया कि हम वापस आ रहे हैं सब्जियां वब्जियां लेके, तो भैया रोड खोल डालो, तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो गई है। ये देखो जेसीबी गोल गोभी कर डाली हमने, हाँ बहुत चलती है बट ये देखो कैसे कर रखा है, यहाँ पर भूकंप आया था नहीं भैया जेसीबी आई थी। भाई साहब ये देखो कितना ज्यादा हो रखा है, गजब तरीके से भैया आटा आटा हो गया सारा इसमें। चलो बच्चे मम्मा का पैर दबाओ, और आज कोई खाना नहीं बनाया, क्या बना दिया बताओ दिखाओ, आइसक्रीम, इट्स वेरी यम्मी यम्मी, खिलाओ। कैट बनाई आ गई, किसकी कैट, किसने बनाई है कैट, ये किसने बनाई, पूछी बहुत लंबी इसकी, तो ये तो आपके मूछों से भी लंबी होगी, ये किसने बनाई कैट, आपने थोड़ा बनाई है भैया ने, उन्होंने बनाई ना, तो आप क्यों बोल रहे हो जी। ये हमने कर लिया ब्रेड, ये हम चाय खुद ही बना रहे हैं आज। बेसिकली क्या है, जब आपको समय मिले जब आपको टाइम मिले तो हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का, एंड दिस इज व्हाट डैश चंडीगढ़ गाय टॉक्स अबाउट एवरी टाइम, हेल्प अदर्स, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योर पार्टनर। तो जी आज हम खाना बना रहे हैं, हम अपनी बेगम का हेल्प कर रहे हैं और बेगम हमारी हेल्प कर रही है ब्लॉग बनाने में, आज दोनों हम दोनों ने एक दूसरे का जो काम है वो इंटरचेंज कर लिया है। और ये देखो फूली हुई रोटी है, कौन कहता है मर्दों की रोटी फूलती नहीं है, भैया बहुत फूलती है, बहुत गर्म भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू डैश चंडीगढ़ गाय, रोटी कैसे बनानी है, कैसे रोटियाँ बनाते हैं और गोल गोभी कैसे बनाते हैं ये सिर्फ आपको मैं ही बताऊँगा, सब्सक्राइब कर डालो फटाफट भैया डैश चंडीगढ़ का। एक्चुअली जो हमने इस बार गेहूं पिसवाया वो बाहर क्यों पिसवाया, हमने आशीर्वाद या कोई और क्यों नहीं लिया, बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर देखे थे तो उसमें एडिटिव डाले जाते हैं ताकि वो प्रोलोंग उसका जो लाइफ है लाइफ स्पैन उसका थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, जैसे 6 महीने या 5-4 महीने इस टाइप से समथिंग उसका लाइफ स्पैन रहता है, बट जो असली जो आटा होता है वो तकरीबन 1-2 महीने के बीच में ना वो थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होने लग जाता है, तो एडिटिव हमारे को खाना नहीं है, तो अकबर वही चीज है, छोटी छोटी चीजें हम करते जाते हैं। और
रोको, स्टॉप 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 स्टॉप, अभी आपका नंबर लगेगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डैड चंडीगढ़ का एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है, बेस्ट पार्ट क्या लगा एंड वीडियो को एंड चैनल को फटाफट फटाफट। नहीं, आपके डायलॉग पुराने और वो डायलॉग नहीं है, वो डायलॉग कैंसिल, आपके लिए कुछ और में पापा सोचेंगे आपके लिए डायलॉग। ठीक है, आप पापा सोचेंगे इन दोनों बच्चों के लिए डायलॉग। ठीक है, कुछ सोच के फिर मैं बताता हूँ इनको। अभी क्या है, इनके लिए नए डायलॉग है वो मैंने कर लिया इख्तियार। वो क्या चीज है वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो सीधा कर लिया, मैं कट कर दूंगा। बोलो क्या है, तो शर्म करो, शर्म करो जल्दी जल्दी। हाँ, अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो शर्म करो जल्दी जल्दी।